ये प्रवेश द्वार है, विद्यापति धाम लिखा हुआ है। यहाँ देखिए आप छत पे आए, बाबा बताएंगे, देखिए बाबा है कुछ बताएंगे। वो जो ऊपर दिखा रहे हैं, ऊपर में देखिए जो चित्र में यहाँ पे मोदी अभी राजा है, मतलब विद्यापति जी हैं। ये शंकर भगवान है, और इधर आइए यहाँ पे है, देखिए पूरा चित्र पैलेस बिहार का ये फेमस मंदिर है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं विद्यापति धाम घूमने के लिए, जो समस्तीपुर जिला में है, इसका गांव है चमथा है, चमथा से ज्यादा दूर नहीं है, बहुत पास में है। तो आज जाएंगे वहां घूमने तीनों साथ में, तो फिर स्टार्ट करते हैं जाने के बाद ब्लॉग वहां से। भाई पेट्रोल डलवा लेते हैं यार, देखो भाई पैसा ले रहा है यार पेट्रोल डलवाने के, बोला बिना पेट्रोल का नहीं जा सकते हैं, तो पेट्रोल डलवा लेते हैं और उसके बाद चलेंगे विद्यापति धाम पूरा घूमेंगे। इससे डिटेल ले लेना है, बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं, ये सब बता देंगे कि क्या क्या है, क्योंकि हम तो यहाँ नया है ना, तो पूरा डिटेल लेके फिर पूरा विद्यापति घुमाते हैं। ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से अंदर जाएंगे, यहाँ से पूरा रास्ता शुरू होता है, यहाँ से सामने अंदर जाएंगे, बाइक को उधर लगवा दिए है हम तीनों मिलके, अब यहाँ से जाएंगे प्रवेश द्वार, एंट्री द्वार यही है, और एक तो बगल वाला भी द्वार है एंट्री वाला। तो यहाँ से बाकी का पूरा व्यू दिखाएंगे आगे जाते हुए कि विद्यापति धाम कैसा है, पूरा मंदिर दिखाने वाला है, तो सामने चलते हैं। तो फाइनली विद्यापति मंदिर का गेट के पास आ गए हैं, ये देखिए गेट है, यहाँ से एंट्री जाएंगे अंदर, अब आपको पूरे चीज दिखाने वाला है। तो चलिए मेरे साथ बस वीडियो में बने रहिए, पूरा टूर करवाएंगे मंदिर का, विद्यापति धाम मंदिर का पूरा टूर करवाएंगे, और ये हमारे सानू बाबू साथ में यही बताएंगे हमको, क्योंकि यहाँ के बारे में उनका हमको उतना जानकारी नहीं है। देखिए गेट है, गेट से अंदर जाएंगे, हमको यहाँ के बारे में उतना जानकारी नहीं है, यहाँ से किसी से बात करेंगे और फिर ये बताएंगे, क्योंकि इनका यहाँ पे गाँव है, कोई बाबा मिल जाएंगे तो बाबा से बात कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए शनिदेव, भगवान शनिदेव हैं ये, और पूरे दिखाने वाले हैं, फिर ट्यूटोरियल की तरह पूरे दिखाएंगे। कोई बड़ा पूजा होता है ना तो यहाँ पे हवन होता है, देखिए, और शादी भी आज कहाँ होता है वही बताएंगे, दूर से आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो शादी भी हो रहा है, तो किसी का पर्सनल लाइफ में हमको नहीं घुसना चाहिए। शादी उदी होता है ना तो शादी में रहने के लिए यहाँ पे देखिए पूरा स्पेस है, हॉल टाइप का पूरा खाली है, यहाँ पे बहुत स्पेस है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत सारा चित्र बना हुआ है, कि बाबा बताएंगे, देखिए बाबा है कुछ बताएंगे, धाम है, विद्यापति धाम है ना, धाम है। तो ये विद्यापति धाम क्यों बना, मतलब विश्वकवि थे विद्यापति जी, हाँ उन्हीं का नाम से स्टेशन है, उन्हीं के नाम से बना है, कवि थे विद्यापति, उन्हीं का नाम। तो बाकी ये जो मंदिर वगैरह और जो है वो कोई दिए हैं, मतलब अच्छी मूर्ति उर्ति बैठवाए हैं, तो धीरे धीरे बड़ा सब दिए है, श्रद्धालु को सब दिए हैं, देखिए सबका नाम लिखा हुआ है, सबका नाम है ना, सबका नाम है। तो देखिए बाबा बताए हैं, अब सबका नाम है, अब दिखाएंगे, ऐसे तो बहुत महीन महीन अक्षर में पता नहीं चलेगा। देखिए यही विद्यापति जी हैं, जिनका जिनका तस्वीर है, यहाँ लिखा हुआ भी है बहुत सारा चीज़, तो ये विद्यापति जी ही हैं, इन्हें यहाँ विद्यापति धाम बना है। देखिए ये लोग जितना भी है, ये भी विद्यापति जी है ना, इन्हीं के नाम पे विद्यापति धाम पूरा बना हुआ है, ये पूरा जो जो और भी जो मूर्ति यहाँ पे लगवाए हैं उनका इन्हीं के दरबार में विद्यापति जी रहते थे, कविता गाते थे, जिसको पोएट्री बोलते हैं, कविता गाते थे, उन्हीं के नाम पे ये पूरा विद्यापति धाम है। हाँ पूरा है, वही बनवाया, कौन बनवाए, पुत्र नहीं होता था तो भिखारी चौधरी, हाँ तो वही बनवाए हैं मंदिर, उनको पुत्र नहीं होता, पुत्र हुआ था, मंदिर बनवाए हैं उनके नाम पे, विद्यापति जी का धाम चौथा स्थान। हाँ ये सब जो है, ये सब जो दिख रहा है यहाँ पे, ये सब जल मिला रहे हैं, जैसे जैसे मिला की है ना, हाँ जी हाँ, जैसे देखिए ये पूरा लीला है, बाबा बता रहे हैं कि जैसे जो लीला हुआ विद्यापति धाम जी के साथ वो करवाए हैं, तो वही सब यहाँ पे है। देखिए पूरा चित्र में देखिए, इस तरह से पूरा चित्र में दर्शाया, राजा शिव सिंह को बंदी बना लिए थे, तो इनको छोड़वाए हैं विद्यापति जी ने, तो विद्यापति देखिए यहाँ पे बढ़िया से दिख रहा होगा आपको, कारागार लिखा हुआ है यहाँ पे दिख रहा है ना,
तो ये इन जेल चले गए थे, तो पूरा चित्र दर्शाया हुआ है राजा शिव सिंह के बारे में और उनके दरबार में जो कवि थे वो विद्यापति जी को जी। राजा शिव सिंह को पत्नी जी कि जाओ सेना को तैयारी करो और राजा शिव सिंह को छुड़ा के लाओ तुलगढ़ से। तो वो वहाँ से गए छुड़ाए, जो 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 चीज़ यहाँ पे हुआ है सब यहाँ चित्र में है, आप आइएगा तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और नीचे लिखा हुआ भी है नाम की तरह, यहाँ पे देखिए पूरा लिखा हुआ है, अब पूरा चित्र में दर्शाया हुआ है इस तरह से, देखिए चित्र भी आप देख सकते हैं, नाम भी है। यहाँ ग्रंथ भी है, बाबा बता रहे हैं कि यहाँ ग्रंथ भी है। तो आपका मंदिर पूरे दिखा देते हैं, देखिए ये वैष्णो माता अंदर में है, ग्रिल लगा हुआ तो दिख नहीं रहा, अंदर में वैष्णो माता का ये मंदिर हो गया, गणेश जी हो गए और कार्तिक जी हैं और लक्ष्मी जी सरस्वती जी हैं, देखिए यहाँ से तीनों चीज़ें, देखिए ये पार्वती जी का मंदिर है, आपको साफ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अंधेरा है, देखिए ये महादेव कौन बाबा कौन क्या बोले आप, विद्यापति जी उन्हीं शंकर भगवान, हाँ उन्हीं का है, देखिए मंदिर है पूरा, यहाँ देख सकते हैं नीचे दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा बढ़िया से, ये देखिए और अंदर जाके दिखाते हैं, बाबा बताएंगे अभी, अंदर है वो दोनों एक तरह, वो हम अब दिखाएंगे, ये देखिए विद्यापति जी का और शिव जी का जो है दोनों का संगम यहाँ पे हुआ था, उन्हीं का यहाँ बना हुआ है, बाबा बताएंगे कुछ, बाबा बताएंगे जो विद्यापति जी बहुत महाकवि थे और महादेव करते, तो विद्यापति जी का पता था कि ये तो नौकर है, लेकिन पता नहीं था कि ये भगवान है, कवि है, बड़े तो राजा का ऐलान हुआ, जैसे मोदी अभी राजा है वो प्रधानमंत्री है, राजा नहीं है, ईसाई एक राजा था भारत का, तो कहा कि देखो क्या कर, कहा उदना नौकर महाराज आप चिंता में क्यों बोले, तो कहा तुमको बताने से तो कुछ और होगा नहीं, तुम तो नौकर हो, कल पूरा भक्ति धोखा देगा, सब साधु संत महात्मा को दिल्ली करागर जेल में बंद कर दिया है, तो इसीलिए हम चिंता में और तुम भी जाओगे, तो कहा हे महाराज चलिए, तो जब दिल्ली पहुँचा तो ऐसा भजन लगाए विद्यापति जी, इतना आंधी तूफान बारिश होने लगा, राजा इंद्रासन से उतर गया, कहा महाराज भजन को चुप थी, विद्यापति जी भजन को चुप कर दिया बारिश गया, तो कहा मांगो कुछ, कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहा मांगो कुछ, कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अज्ञान विद्यापति जी को आधा दरभंगा एक पूरा मिथिला अंचल दरभंगा महाराज के नाम से शुरू कर दिया, लिख दिया एक पूरा, उसके बाद विद्यापति जी तो कहा जाइए चले नंदी वन में जब आए गुना जल पिला, अरे महाराज हमें आप कहाँ से जल लाऊ, ना कुआ है ना तालाब है ना पोखरा है ना कुछ है, कहाँ से जल लाऊ, तो कहा नहीं जल लगा तो बैठ लिया विद्यापति जी और उनसे संबंधन लिया, दूर में जाते जाते उदना होकर अपना जटा गाट को निकल चुप के जटा खोल के जल भर लिए चले आए कि विद्यापति जी का विद्यापति जी को दिए सिकारे उगना तो हाल बताओ तो जल को ग्रहण करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा, विद्यापति जी चिंता में पड़ गए, चिंता में पड़ गए विद्यापति, तो कहा हे महाराज सब कर रहा हूँ, तुम जहाँ किसी से बोल लगा वहाँ तुम भारत हो जाए, वही संगम हुआ ना, तो वही जो गंगा जी आया था वही संगम हुआ था, दोनों का वही संगम, देखिए विद्यापति जी ये वाला विद्यापति जी है, ये शंकर भगवान है, महादेव हुए बहत्तर भगवान ना, इन्हीं का यहाँ पूजा होता है विद्यापति धाम में, तो आप जो देखें कि यहाँ पे विद्यापति धाम ये है और वो शंकर भगवान हुए हैं, उन्हीं दोनों का संगम हुआ था तो ये यहाँ पे स्थापना हुआ है।
आर मंदिर भी है, आर मंदिर भी आपको हम दिखाएंगे। देखिए हनुमान जी का, यहाँ पे देखिए हनुमान जी का मंदिर है। एक लाइन से यहाँ पे देखिए, एक लाइन से वहाँ से लेके बहुत सारे भगवानों का पूरे एक लाइन से पूरे मंदिर यहाँ तक है। एक गणेश जी का, लक्ष्मी जी का बना हुआ है, देखिए अंदर दिख रहे होंगे। ये आनंदी गाय है शंकर जी का, उनका बना हुआ है स्पेशल यहाँ पे। एक लाइन से वहाँ से लेके पूरे तक यहाँ बना हुआ है चारों साइड से मंदिर। आपको बढ़िया से शूट करके पूरा मंदिर को दिखाएंगे। ये देखिए काली जी, उनका पूजा हो रहा है और साथ में लक्ष्मी जी। अब यहाँ से मंदिर का दूसरा साइड जो गेट है वो गेट से और भी बहुत सारा भगवान का बना हुआ मूर्ति बना हुआ, बजरंगबली का, हनुमान जी का बहुत बड़ा बड़ा मूर्ति बना हुआ, वहाँ जाएंगे और हमारे जो सर हैं ये बताएंगे, बाबा ऐसे बताएं पूरा मंदिर है ना पूरे, तो दिखाएंगे ट्यूटोरियल में। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या देखिए, इनका दुकान भी यहाँ पे है, यहाँ सब चीज़ मिल जाता है। फोटोग्राफर भी है, फोटो भी शूट करता है, ये फोटो भी खींच लेता है। तो चलिए आप इधर दिखा लेते हैं पूरा मंदिर आपको। ये दूसरा गेट हो गया, मेन गेट है जो यहाँ से एंट्री करते हैं। ये देखिए मेन गेट हो गया, विद्यापति धाम लिखा हुआ है, ये मेन गेट हुआ। यहाँ से आने के बाद पूरा मंदिर है चारों साइड देख सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद मंदिर के घूमने के बाद यहाँ से दूसरा साइड भी गेट है, इससे इधर बड़ा बड़ा मूर्ति बना हुआ है, हनुमान जी का है, कृष्णा जी का, शंकर जी का, बहुत बड़ा बड़ा मूर्ति है। तो वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ये गेट के पास आ गए। इधर मार्केट टाइप का बना हुआ भी है, ऐसे लोग यहाँ पे रुकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं। पीछे देखिए इस तरह से पूरा बना हुआ, फिर रहने का व्यवस्था है पूरा। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे पीछे बना हुआ है मंदिर के साइड में रहने का पूरा व्यवस्था है। स्टेज क्या बोले, ये जो है यहाँ पे लोगों को रहने के लिए, ये टूरिस्ट लोगों को रहने के लिए गवर्नमेंट बिहार सरकार के द्वारा ये बनाया गया है। और पूरे भारतवर्ष में विद्यापति धाम एक ऐसा है जहाँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिलीजियस पैलेस ऑफ बिहार का ये फेमस मंदिर है। यहाँ लोग अपने यहाँ से आते हैं और यहाँ अर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं, कल्याणकारी जो भी हो, आत्मा का शांति होता है बस। हम मंदिर का ये पीछे यहाँ पे स्टेज बनेगा और यहाँ पे रहने टूरिस्ट लोग को रहने के लिए व्यवस्था किया जाएगा। अभी कार्य प्रोसेस में है, देख लीजिए। और यहाँ पे आपको जो मूर्ति बड़ा बड़ा है वो बन रहा है, जो दिखा देते हैं। जी स्टेज तो है, ये बन ही रहा है जो। और यहाँ पे मंदिर बड़ा बड़ा भगवान का मूर्ति है, देखिए एक लाइन से तीनों। यहाँ पे दुकान है, इसके पास में दुकान भी है, देख सकते हैं। ये देखिए तीनों भगवान का है, एक तरफ से एक लाइन से है, शंकर जी का हो गया और बीच में हनुमान जी हैं और लास्ट में है जो विष्णु जी हैं। ये आपको दिखाया जा रहा है कि ये विवाह मंडप, यहाँ लोगों का विवाह होता है इसके अंदर। बीच से गया हुआ है इधर मंदिर है, यहाँ विवाह हुआ भी होता है ना, विवाह होता है लोगों का, लोगों का भोलेनाथ का बीच में विवाह होता है, भोलेनाथ का भी विवाह हुआ था। अंदर मूर्ति है, यहाँ पे 56 देवी देवता है और यहाँ पे शादी होता है, मंडप बना हुआ है। और यहीं पे तीन पे बीच में है जो हनुमान जी हैं, और राइट साइड में उनके हो गए शंकर जी, और लेफ्ट साइड में है विष्णु जी। यहाँ पे देखिए तीनों विद्यापति जी यही हुए। अब विद्यापति जी देखिए, यही है विद्यापति, ये बना हुआ है शंकर जी के नीचे, क्योंकि इन्हीं दोनों का मिलन हुआ था तो बना था विद्यापति धाम। तो ये देखिए विद्यापति जी यहीं पे है। तो आपको अंदर ले चलते, अंदर शादी होता था आपको बताए थे, तो अंदर हम जा सकते थे लेकिन बस अभी थोड़ा सा पहले भी धुआया है और लॉक है तो अंदर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से अंदर बहुत सारे देवी देवता हैं। यहीं पे देखिए मंडप आपको दिख रहा होगा और यहीं पे शादी होता है। ये भी यहाँ पे देखिए सीढ़ी है, ऊपर चलते हैं, ऊपर आपको पूरा चीज़ दिखाएंगे। चलिए चलिए भाई जी बताएंगे आपको ऊपर जाने के बाद कुछ, तो ऊपर चलते हैं। चलिए ऊपर चलते, भाई जी का काउंटर है नीचे वाला, नीचे वाला दुकान था। तो चलिए ऊपर चलते हैं, अभी दिखाएंगे। यहाँ देखिए आप छत पे आए, यहाँ देखिए तीनों भगवान एक लाइन से हैं, विष्णु जी हैं और बजरंगबली हैं और ये हो गया शंकर जी, तीनों का बढ़िया से दिख रहा है इसलिए ऊपर आए हम लोग। और इधर आइए, यहाँ पे देखिए ऊपर से पूरा जो मंदिर है इस सामने से, यहाँ ये पूरा मंदिर है, ये शंकर भगवान का है जहाँ मिलन हुआ था विद्यापति धाम जी का, जो आपको दिखाए हैं वहाँ पे है। बाकी सब पूरे देख लीजिए अराउंड में, पूरे मंदिर है।
Oh,